गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रेन, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास यूकेजी। चिल्ड्रेन, आप लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ यस एंड नो। यस मीन्स हमने कल बताया था, यस मीन्स हाँ, नो मीन्स नहीं। तो हमने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देखिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं और पिक्चर भी बनाए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इज दिस अ कैट। जब इज पहले आ जाता है तो उसका मतलब ये प्रश्न है, कुछ पूछा जा रहा है। इज दिस अ कैट, ये एक बिल्ली है। तो आप लोग पिक्चर में देखिए ये कैट है या नहीं। तो ये मैंने क्या बनाया है, कैट। तो कैट है तो हम लोग आंसर देंगे यस, दिस इज अ कैट। क्या यूज करेंगे, यस। और अगर कैट नहीं रहती तो क्या यूज करते, नो। लेकिन हमने यहाँ पर कैट बनाया है तो हम लोग यूज करेंगे यस। लुक एट द ब्लैक बोर्ड चिल्ड्रन, ये देखिए हमने कैट बनाया है और क्वेश्चन किया है, आई एस इज टी एच आई एस इज आ सी ए टी कैट, इज दिस अ कैट, एक बिल्ली है। तो आप लोग आंसर क्या देंगे, आप लोग देख रहे हैं कि ये कैट बनी हुई है, हम लोग क्या देंगे आंसर, यस। यहाँ लोग क्या लिखेंगे, यस यस दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज दिस अ लीफ, क्या ये पत्ती है, आपको बताइए ये लीफ है, नो दिस इज अ ट्री। तो हम लोग क्या आंसर दे रहे हैं, नो। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, नो, एन ओ नो। वंस अगेन फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इज दिस अ कैट, ये बिल्ली है, यस दिस इज अ कैट, दिस इज अ चौक, और इज दिस अ चौक, ये बुक है हम लोग आपको दिखा रहे हैं, इज दिस अ चौक, नो दिस इज अ बुक। इस तरह आप अपने घर में प्रैक्टिस करते रहिए। कमिंग टू द होमवर्क चिल्ड्रेन, कमिंग टू द होमवर्क चिल्ड्रेन, आज का होमवर्क है आपका, यस और नो का यूज करके ही आपको लिखना है, राइट आंसर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर लिखिए। तो हमने अभी क्लास वर्क में कराया था, सेम आप वैसे ही लिखेंगे जैसा मैंने क्लास वर्क में कराया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज दिस अ चेयर, ये मैंने क्या बनाया है, चेयर बनाया है। तो मैंने पूछा है, इज दिस अ चेयर, और आपको जैसे पढ़िएगा आई एस इज टी एच आई एस दिस, इज मीन्स है, दिस मीन्स ये है, ए मीन्स ए सी एस ए आई आर चेयर, चेयर मीन्स कुर्सी, एक चेयर एक कुर्सी है। तो ये देख रहे हैं आप लोग की चेयर बना हुआ, तो क्या यूज करेंगे, यस। यहाँ क्या लिखेंगे, यस, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ यस, वाई ई एस, यस यस दिस इज अ चेयर, पहले दिस लिखेंगे फिर इज, और उसके बाद ए लिखेंगे फिर चेयर लिखेंगे, इज दिस अ चेयर, यस दिस इज अ चेयर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई एस इज टी एच आई
क्वेश्चन में कि इज दिस अ कप, ये आपको देखिए कप है, नो ये ग्लास है, दिस इज अ ग्लास, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नो दिस इज अ ग्लास, तो ये हम लोग आंसर होगा नो दिस इज अ ग्लास। ओके चलिए, इस तरह आप अपने होमवर्क को भी अच्छे से लिखिएगा नीट में और उसे 2 टाइम 3 टाइम रीड करिएगा जब तक कि आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए कि यस और नो का यूज कब करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।